अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है चिकन मलाई गोला कबाब, जो बनेगा मेरी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है 250 ग्राम चिकन का कीमा, उसके बाद है हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून भर कर मेरे पास है मैदा, और हाफ टेबल स्पून मेरे पास है कुकिंग ऑयल। फिर हमारे पास है ये एक मीडियम साइज की प्याज थी जिसको मैंने बारीक बारीक से चॉप किया है, और ये एक मीडियम साइज का टमाटर, इसको भी मैंने चॉप किया है। ये हाफ शिमला मिर्च थी, इसको भी बारीक बारीक सा कट कर लिया है। 1.5 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये फ्रेश वाली लाल मिर्चें जिनको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। उसके बाद ये है थोड़ी सी कोथमीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ले लिए मैंने प्लेट, अब मैं इसमें डालूंगी कीमा चिकन का, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नमक और कुकिंग ऑयल, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ऐसे मिक्स करने से जो हमारा कबाब है वो अंदर से ड्राई नहीं होगा, ऑफ सॉफ्ट लगेगा हमको। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमको। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें मैंने ऐड कर लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, कोथमीर, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है हमको। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा। यहाँ मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, और उस पर पैन भी रख लिया है, और उसमें थोड़ा सा तेल भी डाल दिया है ताकि वो तेल गर्म हो जाए। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है हम कबाब के गोले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे, और उसके बाद इसमें से एक ऐसे गोला बना लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास ये एक बेलन है, इसकी मदद से ये मैं कोथमीर की जो डंडी है वो मैं निकाल लेती हूँ। उसकी मदद से देखिए मैंने गोला बना लिया है। तो हमको ऐसे करके जैसे हम सीक बनाते हैं वैसे ही, देखिए ये जो गोला है वो बन चुका है। अब मैं इसे डालूंगी फ्राई पैन में। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें इसको ऐसे डाल दूंगी। फिर सेकंड बनाते हैं फिर से। देखिए दो मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप चाहे तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कबाब बनाने का। अगर आप वो स्क्रूवर नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो हाथों की मदद से इसे ऐसे कर लीजिए, देखिए, और फिर इसे इसमें डाल दीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर से मैं बनाती हूँ। मैंने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है, तो सारे जो कबाब है वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और हमें इसे अलट पलट करते हुए सेकना है दोनों तरफ से। तो मैंने इसको भी पलटा दिया है मीडियम फ्लेम पे, हमें इसे अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से सेकना है। तो ये जो कबाब है ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो अभी मैं सब इसमें निकाल लेती हूँ। देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब चलते हैं हमारा सॉस बनाने की तरफ। तो अब बनाते हैं हमारा व्हाइट सॉस। तो ये है 1/2 ग्लास दूध, 1.5 चम्मच बटर है मेरे पास, ये अनसॉल्टेड बटर है। उसके बाद ये है 1/2 टेबल स्पून मैदा,
एक चीज क्यूब है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है और हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर एक फ्राई पैन रख लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं बटर, उसके बाद इसमें हम डालेंगे मैदा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मैदा। मैं मैदे को अच्छे से भूनना है। तो जो मैदा है वो अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके दूध, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालना है दूध और इसे मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा दूध इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे, फिर जब ये ठीक होगा तो मैं आपको बताऊंगी फिर कैसे क्या करना है। देखिए इसमें थिकनेस आ गई है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चे यानी चिली फ्लेक्स। मैंने इसे थोड़ा स्पाइसी बनाया है, आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं चिली फ्लेक्स में और जो ब्लैक पेपर है उसमें। अब मैं इसमें ग्रेट करूंगी चीज। अब मैंने चीज ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसे अच्छे से स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा चीज को मेल्ट करेंगे। इस स्टेज पे मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। तो देखिए जो हमारा सॉस है वो बनकर रेडी है, ये इतना थिक होना चाहिए। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। तो अब ये सॉस मैं इस पर डालूंगी। हमें इसे ऐसे फैलाकर पूरा हर कबाब के ऊपर लगना चाहिए ये। देखिए पूरी सॉस जो थी वो मैंने इसमें डाल ली है। अब मैं एक पैन पे बटर गरम करूंगी और फिर वो हम इस पे डालेंगे। तो देखिए इस डेक्ची में मैं बटर गरम कर रही हूँ। जब बटर गरम हो जाएगा तब हम इस पे डाल देंगे। तो अब बटर गरम हो चुका है, तो अब मैं इस पे इसको ऐड करूंगी। सब जगह से ताकि इसमें अच्छा सा बटरी फ्लेवर भी आ जाए। तो हमारा चिकन मलाई गोला कबाब बनकर रेडी है। आप भी इसे प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।